नमस्कार, स्वागत है आपका रुचिकास किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे का चिला, जो कि बनके झटपट तैयार हो जाता है। तो आइए चलते हैं हम रेसिपी की ओर। ये मैंने एक परात में थोड़ा सा आटा लिया है। इसमें मैं अब थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी। अजवाइन आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। ये मैंने पहले से काट के रखे हैं स्प्रिंग अनियन, जिसको हरा प्याज बोलते हैं। इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्च भी डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप इसको हरे प्याज से भी बना सकते हैं, चाहे तो आप उसको नॉर्मल प्याज को छोटा छोटा काट के आप इसको आटे में मिला के बना सकते हैं। लेकिन जो हरा प्याज इसका जो फ्लेवर एनहांस करता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हमने सब मिला दिया है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। आपका बैटर इतना पतला भी नहीं होना चाहिए कि तवे पे जाके फैल जाए, और इतना गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम तवे पे डालें और ये स्प्रेड ना हो। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बैटर कितना होना चाहिए ताकि ये तवे पे जाके अच्छे से इसका चिला बन पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ना ये ज़्यादा पतला है ना ये ज़्यादा मोटा है। तो चलिए अब हम चिला बनाते हैं। हमने पैन को गैस पे रख दिया है, इसको आपने स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे रखना है। अब हमारा पैन गर्म हो चुका है, तो अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। जैसे ही हम इसमें ऑयल स्प्रेड करेंगे, हम अपना चीला का बैटर जो है हम इसमें स्प्रेड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये चीला का बैटर ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा पतला है, ताकि ये इजीली स्प्रेड हो रहा है। आप लोग जितना हो सके आप लोग नॉन स्टिक पैन का ही यूज़ करें, कि नॉन स्टिक पैन में ये होता है कि चिपकता नहीं है। अदरवाइज अगर आप लोहे का पैन यूज़ करेंगे या तवा यूज़ करेंगे तो उसमें चिपकने का डर बहुत ज़्यादा होता है और उसमें चीला हमारा टूट भी सकता है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे हम इसको, ताकि अच्छे से होगा, आटे का कच्चापन निकल जाएगा, नीचे से भी अच्छे से सिक जाएगा, ऊपर से भी अच्छे से सिक जाएगा। जैसे ही हमारा, देखिए आप, यहाँ से हमारा जो चिला है वो सिकने लगा है। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके इसके साइड्स में थोड़ा सा ऑयलिंग कर दीजिए, बस इसके सेंटर में भी, ताकि जब हम इसको पलटें तो ये नीचे चिपके नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा, देखिए यहाँ से हमारा पूरा चिला सिक गया है। अब हम इसको धीरे धीरे नीचे से हम इसको छुड़ाएंगे, ताकि कहीं पैन में से तो चिपका नहीं होता है नॉन स्टिक पैन में, बट ये आटा है तो हम इसको धीरे धीरे यहाँ से करके ऐसे निकालेंगे। ये देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा है नॉन स्टिक पैन में इसको रेडी करना, और ये बहुत बहुत ही कम टाइम में आप इसको तैयार कर सकते हैं। और घर में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमने बस वही यूज़ किए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है। मेरे पास स्प्रिंग अनियन था, इसलिए मैंने स्प्रिंग अनियन यूज़ किया है। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप जो नॉर्मल अनियन होते हैं आप उसको छोटा छोटा चॉप करके आप उसको आटे में मिला के आप उसका चीला बना सकते हैं। हम इसको पलटते हैं, हमारा उस साइड से चिला सिक चुका है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये सिका हुआ, बिल्कुल पराठे जैसा लग रहा है। बट जब आप इसको खाएंगे तो जिसमें स्प्रिंग अनियन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप इसको किसी भी टाइम आप खा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं, बट आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला है इसमें। देखिए आप, ये कितना अच्छा लग रहा है सिका हुआ।
कि आप देख सकते हैं नीचे की साइड से भी सिक चुका है। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है ये सिका हुआ। अब आप इसका फ्लेम आप थोड़ा हाई कर सकते हैं, आप गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं ताकि आपको ये एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आपको चीला मिले। तो ये देखिए हमारा चीला बनके रेडी हो चुका है, कितना अच्छा दिख रहा है। बाकी आप लोग बना के आप लोग खुद टेस्ट कर सकते हैं कि इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है। और आप इसको चाहे तो सॉस के साथ, चाहे तो आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग बना के देखिएगा। चलिए धन्यवाद।